बात करते हैं जीव विज्ञान की। सबसे पहले टॉपिक है कोशिका तथा अनुवासिकता, तर्कु तंतु ट्यूबलियंस के बने होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक है, रोजा लैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन, डब्ल्यू वाल्डेयर ने गुणसूत्र तथा लेविन ने राइबोज शर्करा का पता लगाया था। ठीक है, ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, उसमें इन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा कौन था? पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा था। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की अनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री, क्या नाम था इनका, विल्हेम जॉनसन ने की थी। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन ऑफ क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। 22 जोड़े नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा समान नहीं होता तथा विषम जात गुणसूत्र कहलाता है। यह लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, जो 23वां जोड़ा है हमारा क्रोमोसोम्स का, ये हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिकाओं के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है। विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। ब्रायो फाइलम खमीर एवं हाइड्रा, ये सभी जीव क्या है? मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं, पुनरुत्पादित हो सकते हैं। ठीक है, द्राक्षा द्रव मतलब ग्रेप वाइन को किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं। गोल्जी पिंडो, गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण करना। अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिक डब्ल्यू वेटेसन ने कहा था। एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। ठीक है, एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ठीक है, जंतु में मतलब इसमें नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में हमको कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे जो प्लांट सेल होती है उसमें पाया जाता है। अनुवांशिकता के सिद्धांत जीनों के कार और विनियमन आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य के मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किगेलिया पिनाटा वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है। घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतया सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 45 मतलब 22 AA प्लस XO टर्नर सिंड्रोम में परिणामित होती है, जिसमें ये वाली कंडीशन जिसमें पाए जाते हैं उसमें टर्नर सिंड्रोम होता है। फलों और फूलों के पीले व नारंगी होने का मुख्य कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, सबसे पहले इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप में लवक पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम तारक काय उपस्थित रहता है।
लेकिन जो हमारा पादप कोशिका है इसमें सेंट्रोसोम तारककाय नहीं पाया जाता है। जंत कोशिका में इसमें रक्त रिक्तता छोटी होती है, इसमें रिक्तता बड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कलाबद्ध कोशिका द्रवी अंगक है जिसमें ऑक्सीकरण फॉस्फो रिलीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका प्रभाजन किया जाता है। मानव गुणसूत्र डीएनए आरएनए क्षारीय होते हैं। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन बेस पाए जाते हैं। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। अमीबा में एक सेल, ठीक है, अमीबा में एक सेल मतलब कोशिका पाई जाती है, अर्थात अमीबा एक ही कोशिकीय जीव है। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसकी शोध किसने करी थी? जेसी बोस ने करी थी। बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह प्लाज्मा झिल्ली है। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। शरीर कोशिकाओं को समसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उपकला ऊतक को संरक्षी ऊतक भी कहा जाता है। कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। साइटोलॉजी साइटोलॉजी कोशिकाओं सेल्स का अध्ययन है। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग क्या था? यकृत था। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग लक्षण एवं प्रभावित जेंडर। रोग लक्षण और वाहक प्रभावित जेंडर तो वर्णांधता, इसमें लक्षण क्या है? लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। और इसको एक तरीके का वाहक का काम कौन करता है? स्त्रियां, ठीक है। स्त्रियों में कभी वर्णांधता नहीं होती लेकिन वो बस कैरियर का काम करते हैं, केवल मेल में वर्णांधता पाई जाती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया लक्षण क्या है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसका भी वाहक कौन है? स्त्रियां हैं। टर्नर सिंड्रोम इसमें बांझपन रहता है, ये भी स्त्रियां की वाहक है। फिर है क्लाइनेनफेल्टर सिंड्रोम, ये नपुंसकता से हो सकती है, ये इसमें पुरुषों में प्रभावित जेंडर कौन है? इसमें पुरुष है। डाउन सिंड्रोम मंद बुद्धि आंख टेढ़ी जीभ मोटी अनुपातित बेडॉल शरीर ढांचा होता है, ये सब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है 1831 में एक ही कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। एक कोशिका में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग जैसे लवक गॉल्जी तंत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि अनुपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु में उपस्थित डीएनए है। लवक व प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होते हैं, ठीक है। जो लवक है और प्लास्टिड है यह हमको प्लांट सेल में तो देखने को मिलते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। अब ये इन्होंने ब्लड ग्रुप भी बीच में घुसा दिया। माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह और असंभावित रक्त समूह, ठीक है। यदि माता और पिता दोनों ओ ओ हैं तो बच्चों में संभावित रक्त क्या हो सकता है? उसमें भी ओ पाया जाता, और जो असंभव है जो हो ही नहीं सकता वो ए बी और ए बी, ये नहीं पॉसिबल है। यदि एक जेंडर ओ है, मान लीजिए माता है ही, माता ओ है पिता ए है, तो बच्चों में ओ और ए पाया जा सकता है लेकिन बी और ए बी इसमें पॉसिबल नहीं है। यदि मदर ओ है फादर बी है तो ओ और बी बच्चों में हो सकता है ब्लड ग्रुप लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। यदि माता ओ है पिता ए बी है तो बच्चों का जो रक्त समूह है या तो ए होगा या बी होगा, ओ और ए बी ये नहीं पाया जा सकता। यदि मदर भी ए है फादर भी ए है तो ए और ओ दोनों पॉसिबल हैं लेकिन बी और ए बी पॉसिबल नहीं है। यदि मदर ए है फादर बी है तो ओ ए बी और ए बी चारों के चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है और असंभावित वाला इसमें कुछ भी नहीं है। यदि मदर ए है फादर ए बी है तो ए बी और ए बी
तीनों ब्लड ग्रुप बच्चों में पॉसिबल है लेकिन ओ नहीं पॉसिबल है। यदि मदर भी बी है, फादर भी बी है ब्लड ग्रुप, तो बच्चों में बी और ओ पॉसिबल है लेकिन ए और ए बी पॉसिबल नहीं है। यदि माता बी है, पिता ए बी है, तो ए बी और ए बी तीनों पॉसिबल है और असंभावित जो है रक्त समूह वो है। यदि मदर भी ए बी है और फादर भी ए बी है, तो बच्चों में ए बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है लेकिन ओ इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा एवं फास्फेट समूह होते हैं। डीएनए में जी युग्मित है सी के साथ। डीएनए का संरचना दोहरी कुंडली है, ठीक है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त प्रभावित करता है। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, जैव विकास जीव जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, लैमार्क। लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर से संबंध है, ठीक है। ये किसकी थ्योरी है? ये लैमार्क की थ्योरी है। क्या है थ्योरी का नाम? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये इनकी थ्योरी है। डायनासोर सरीसृप वर्ण का प्राणी था। जो डायनासोर थे वो रेप्टाइल्स थे हमारे, जो कि ड्राई एजिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियन युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिब्बन है। नेक्स्ट है, जीवाणु विषाणु लाइकेन तथा कवक। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्टीरिया, प्लेग और कुष्ठ रोग। जीवाणु जनित रोग, रोग और वाहक जीवाणु। टिटनेस किससे होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से। हैजा विब्रियो कॉलेरी से। टाइफाइड साल्मोना लेसा टाइफी से। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से। काली खांसी जिसको क्या, हाँ काली खांसी बोलते हैं। बोर्डरेटेला पर्ट्यूसिस से। निमोनिया डिफ्लोकोकस न्यूमोनी से। कोढ़ कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लप्रेसी और गोनोरिया, ये है नाइसीरिया गोनोरियाई से। सिफिलिस ट्रैपोनेमा पैलिडम, ये सब इनके क्या थे? ये सब इनके हैं वाहक जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? वायरस से क्या क्या होता है? एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक आदि। फफूंद द्वारा होने वाले रोग कौन है? एटलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि, ये सब फफूंद से होते हैं, फंगस से। एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी है, ठीक है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जैविक कीटनाशी के रूप में होता है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पीत ज्वर येलो फीवर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम
जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था। इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया था। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन ओरल वैक्सीन का विकास किसने? अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग, रोग और वाहक विषाणु क्या है? एड्स, एड्स का वाहक क्या है? एचआईवी विषाणु, पोलियो एंटोरी विषाणु, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो विषाणु, चेचक वेरिओला विषाणु, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं यह है वेरिसेला विषाणु, खसरा पैरामिक्सो वायरस, रेबीज, रेबीज होता है हमारा रैबडो वायरस, और हर्पीज HERPES हर्पीज होता है, हर्पीज विषाणु के चलते हैं। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक रेटोवायरल रोग है जिसमें व्यक्ति का क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क रक्तदान इत्यादि के द्वारा फैलता है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून ऑब्जर्वेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून ऑब्जर्वेंट एसे, एलिसा। फिर है इजी डोथा इमिडीन जिसको जीडोवुडिन, एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे एचआईवी एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारक संक्रमित रुधिराधान से तथा संक्रमित माता से शिशुओं में व रक्तपान से फैलता है। हाथ मिलाने, गले लगाना, साथ रहना व खाना एड्स के संचरण का माध्यम नहीं हो सकता। एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एचआईवी संक्रमण का एक परीक्षण है। दांत की बीमारी ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रो स्पोरम नामक कवक से होती है। रोहिणी, गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। पीलिया वायरस जनित यकृत का रोग है। नेक्स्ट है पीलिया रोग में रुधिर में पित्तरंजक बिली रूबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, पीलिया रोग में क्या होता है? बिली रूबिन की मात्रा बढ़ जाती है से सेलेस्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनने तथा सिरका बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं। दूध के दही रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है जबकि जूते की देखभाल ना हो। यह कवक की वृद्धि के कारण होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूचतम वनस्पति एल्गी शैवाल है। पूरी फेरा जीवाणु नहीं है, यह एक संघ फाइलम है। राइजोबियम क्लास्ट्रिडियम एजोवेक्टर पेनिसिलिन पेनिसिलिन में से पेनिसिलिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कवक फंजाई को पोषण मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। ईस्ट खमीर में जनन जो मुकुलन बडिंग के माध्यम से होता है। विषाणु पर पोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्थान करता है। रिंडरपेस्ट रोगों को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट रोग एक प्रकार के विषाणुओं वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय भैंस बकरी और
जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। ठीक है, खुर देखा हो आपने तो ऐसे बीच में गैप होता है, तो वही कह रहा है जो फटे हुए खुर वाले जो भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, उनमें ये भयानक संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थितीकरण कहलाती है। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरियों को स्पाइरिलियम कहते हैं। नेक्स्ट है, रोग कारक एवं उपचार। एटेनोलोल रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रानीखेत एक पॉल्ट्री बीमारी है, यह मुर्गियों तथा पक्षियों में पाई जाती है। प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक जोसेफ लिस्टर थे। नेक्स्ट है, चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य। ईईजी इसका प्रयोग करते हैं मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने में। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी इसका प्रयोग करते हैं कार्डियो से समझ में आ रहा है, हृदय संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। पेसमेकर हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाने के लिए। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। हिपोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन का जनक माना जाता है। एस्प्रिन एवं पेनिसिलिन को चमत्कारी औषधि भी कहा जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छर से फैलता है। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस मच्छर से फैलता है। एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग किडनी से संबंधित है। ठीक है, यूरो से समझ में आ रहा है, किडनी से संबंधित है। वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द होने का कारण है साइनोवियल तरल का कम हो जाना। एथिल अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन मानव शरीर के यकृत लीवर को क्षति पहुंचाता है। एथिल अल्कोहल जो शराब वगैरह लोग बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पीते हैं, फिर उनको होती है सिरोसिस जो कि लीवर को एक तरीके से डैमेज करता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। यह परजीवी नहीं है, यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अमातिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता कृमि फैसी होला हिपैटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की आंखों को चोट पहुंचती है तो उसे ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। ऑप्था से मतलब आई से ही रिलेटेड होता है ऑप्था। स्वदेश विकसित भारत के रोटा वायरस वैक्सीन का नाम है रोटावैक। ठीक है, रोटावैक किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है अथवा किसी अन्य रूप से दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, टीका, वैक्सीनेशन बोलते हैं। इस क्रिया को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि मानी जाती है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग मलेरिया, सोने की बीमारी, निद्रा रोग, पायरिया, पेचिस इत्यादि हैं। हेल्मिंथन्स द्वारा होने वाले रोग कौन है, अतिसार है और फाइलेरिया। सिड्स एसआईडीएस मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक घातक मृत्यु रोग है। सडन डेथ नाम से पता चल रहा है। प्रमुख रोग एवं उनसे प्रभावित अंग। रोग और प्रभावित अंग, मलेरिया में हमारी तिल्ली आरबीसी से डैमेज होती है। नींद की बीमारी मस्तिष्क से रिलेटेड है। पेचिस में आंत, ठीक है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज होता है। टाइफाइड आंत, क्षय रोग जो हमारे लंग्स हैं वो टीबी में बिल्कुल डैमेज ही हो जाते हैं खांस खांस के। डिफ्थीरिया में श्वास नली, प्लेग में फेफड़े, लिम्स नोड ये सब डैमेज होते हैं। न्यूमोनिया में हमारे फेफड़े डैमेज होते हैं। कोढ़ में तंत्रिका तंत्र और त्वचा। गोनोरिया में मूत्र मार्ग, ठीक है। एड्स में प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी बॉडी बिल्कुल कम हो जाती है। पोलियो
में रीढ़ और नाड़ी तंत्र, ठीक है, ब्लड डिस्टॉर्टेड सी बॉडी हो जाती है पोलियो में। चेचक, ये संपूर्ण शरीर को डैमेज करता है, दाने दाने से हो जाते हैं। रेबीज, ये तंत्र को डैमेज करता है। ट्रोकोमा, आंखों को डैमेज करता है। इन्फ्लुएंजा, श्वसन तंत्र। हर्बीज, त्वचा को। डेंगू ज्वर, संपूर्ण शरीर को। और पीलिया, यकृत को। नेक्स्ट है एलिफेंटाइसिस या हाथी पांव रोग, हुचेरेरिया बैंक्रोप्टी के कारण होता है तथा एनाफिलीज एवं ल्यूकेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया से ग्रस्त होने वाले दो ऑर्गन क्या है? ग्रंथि, प्लीहा एवं यकृत है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। पारिया, दांत एवं मसूड़, टीथ एंड गम की बीमारी, ठीक है। पारिया होते हैं, दांत झड़ जाते हैं लोगों के, इसलिए बोला जाता है रात में भी ब्रश करके सो, या कम से कम गम है उनको थोड़ा रब करके सो। वर्णांधता एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता कर पाता। पहले भी देखा है वर्णांधता को, सबसे पहले हॉर्नर ने खोजा था। वर्णांधता कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाई जाती है। रोजेसिया एक सामान्य बीमारी है जिसमें मानव शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। रक्त में पोटेशियम की मात्रा में कमी के कारण हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आधुनिकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। BCG का टीका ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इंसेफ्लाइटिस, बिलियक तैयार करने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जुकाम, कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। रेबीज, विषाणु जनित एक रोग है जो आमतौर पर कुत्ते या किसी पशु के काटने पर होता है। क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक है। सर्पासन क्या ट्रैंकुलाइजर है एंड एवं एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन से संबंधित है, ठीक है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है परजीवी, प्रोटोजोवा द्वारा होने वाले रोग। मलेरिया, किस कौन सा परजीवी है? प्लाज्मोडियम। नींद की बीमारी है, ट्रिपैनोसोमा। पेचिस, ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के चलते, और काला जर होता है लीसमैनिया डोनोवानी के चलते। नेक्स्ट है मौखिक पोलियो टीकाकरण सर्वप्रथम साविन के द्वारा तैयार किया गया था। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीस में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने व्याख्यात किया है। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लीहा, स्प्लीन है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है शायद। मलेरिया के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन और कामाक्वीन इत्यादि औषधियां प्रभावी हैं। नेक्स्ट है संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग है आंत्र ज्वर, जो मक्खियों के द्वारा फैलता है। गोल कृमि मतलब सूत कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। चिकन पॉक्स रोग ईडीज इजिप्टी के द्वारा संचारित नहीं होता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह कॉलरा के लिए दी जाती है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्त अल्पता ये वंशानुगत रोग है। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग काला दिखाई देता है। पोलियो माइलिटिस एंटोरा वायरस के कारण होता है। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। टिटनेस बीमारी को लॉक जा नाम से भी जाना जाता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इंसुलिन की सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है।
डिप्थीरिया रोग से गला ग्रस्त होता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करती है। रोनाल्ड रॉस ने खोज की मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित ट्रांसमिट होता है। मानव शरीर का जोड़ भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रोग एवं संबंधित टीके, रोग और टीके, डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस, डीपीटी टीका लगता है इसका, कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगता है, टीबी, बीसीजी का टीका लगता है और चेचक के लिए चेचक का टीका दिया जाता है। लीफ ब्लाइट, ठीक है, लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर अधिक उपज देने वाली धान की फसल में पाया जाता है। चेचक रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। निमेटोड गोलकृमि द्वारा फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस रोग होता है। फाइलेरिया के लिए पूचेरेरिया ब्रैंको फटाई नामक सूत्र कृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसीका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंद बुद्धि लब्धि सिद्धांत में जीन उत्परिवर्तन जीन म्यूटेशन काफी हद तक जिम्मेदार होता है। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियां, रोग और फफूंद, दमा किससे होता है? एस्पर्स जेलस फ्यूमिगेटस से हमारा दमा होता है। एथलीट फुट होता है। टिटिनिया पेडिस व ट्राइको फाइटांस खाज होता है। एकेरस स्केबीज से गंजापन होता है। टीनिया केपेटिस से और दांत खाज खुजली, ठीक है, टाइको फाइटॉन एवं माइक्रो स्पोरम से होता है। फिर है क्वासर को, ठीक है, देखा होगा बचपन में बुक्स में डायग्राम बना रहता था, ये प्रोटीन की कमी के चलते होता है। मिक्सोडेमा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। अंक के भय को न्यूमेरोफोबिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से अस्थिपुंज मतलब बोन मैरो में कमी और फ्रेजिलिटी में वृद्धि होती है। फिर है एक्यूप्रेशर उपचार की वह पद्धति है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से में सुइयां डाली जाती हैं। यदि किसी को किसी दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे आर्थोपेडिक की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर एड्स की रोकथाम के लिए दी जाती है, ठीक है, एड्स ना फैले इसलिए सबकी जो भी इंजेक्शन लगाते हैं हमेशा नई निडल यूज करते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या प्रौढ़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो सकता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। मच्छर के काटने से शयन रुग्णता नहीं होता है। कर्क रोग मीन्स कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैक्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओबल तथा प्लाज्मोडियम नाउलेसी के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट है, पादप क्रिया विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं वृद्धि आदि। एथिलीन, एथिलीन गैस का यूज हम करते हैं फल पकाने में। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। मरुद्रविद शुष्क वातावरण में उगने वाला पौधे हैं। अधिपादप पौधे यांत्रिक सहयोग के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोयम के द्वारा होता है। स्टोमेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। स्थलीय पादपों में आस्पोसर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। पौधों का जड़ बीज पत्ती भाग श्वास लेता है। पौधों का आहार कारखाना पत्तियां हैं। हरा प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है, ठीक है, हरा प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। किसान अस्वस्थ पौधे को निकाल देते हैं क्योंकि इससे अन्य स्वस्थ पौधों को मिट्टी के पोषण उपलब्ध होते हैं।
दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षति पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, पौधे में तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं लक्षण। तत्व की कमी और रोग और लक्षण क्या है? बोरॉन की कमी से क्या होता है? सलजम में वाटर कोर होता है। कैल्शियम की कमी से गाजर में कैविटी स्पॉट होते हैं। बोरॉन की कमी से चुकंदर में हर्ट रॉट होता है। जस्ता, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। जस्ते की कमी से आम एवं बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग होता है। तांबे की कमी से नींबू में डाईबैक नामक कोई रोग होता है। ओटू की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से जो आलू है उसमें ब्लैक हार्ट होता है। जस्ते की कमी से मक्का में व्हाइट बर्ड होता है। बीमारी, बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है और बोरॉन की कमी से आंवले में निक्रोसिस होती है। जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होती हैं। पौधा संवर्धन के लिए खास मिट्टी, रेत और चिकनी मिट्टी, ह्यूमस सैंड एंड क्ले के संयोजन को उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में ज़ेनन, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्ण हरित को सक्रिय करता है। तने की कटाई का प्रयोग गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। लोमी मिट्टी, लोमी सॉयल्स पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है। किसी मोनोकॉट में कलम लगाना, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, संभव नहीं है क्योंकि उसमें वैस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है। प्याज का खाद्य, जो हम प्याज का क्या खाते हैं? प्याज का हम तना खाते हैं, अंश तना है खाने वाला खाद्य। बोगनविलिया, पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग के लिए होते हैं। यह रंग नई पत्तियों के विकास को प्रदर्शित करता है। बीज अंकुरण को स्प्रोटस के रूप में जाना जाता है। अंकुआ, आलू की अच्छिकाएं कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती हैं। पौधे के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों पर आयोडीन की दो बूंदें डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में मैंने ये चीज पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें 3-4 टेस्ट थे। यदि हमें स्टार्च की उपस्थिति पता लगाना है तो हमें क्या करना है? आयोडीन की दो बूंदें डाल दो अपने जो भी खाना आपका खाद्य पदार्थ है। यदि उसका रंग नीला काला हो जाए तो आप समझ लीजिए उसमें स्टार्च है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट क्या है? लॉक्टोज प्रकार का होता है। पर्णहरित P680 में संख्या 680 तरंग दैर्ध्य को दर्शाती है। प्रकाश आमतौर पर पौधे में गति का उद्दीपक होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। ऑक्सीजन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तों में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र रिब के उपस्थित का एक उदाहरण है। खोपड़ी की हड्डी अचल होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं में वयस्कों से अधिक हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के हाथ में सर्वाधिक 54 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है, उरु अस्थि जो जांघ में पाई जाती है, तथा सबसे छोटी हड्डी स्टपीज होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है।
हृदय पेशी थकान से प्रतिरक्षित है। मानव शरीर के में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बहिर्कंकाल नहीं होता है। स्तनपाई मैमल्स में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकलेदाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो अंत में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को चार अकलेदाढ़ दाढ़ होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है दंत वल्क, जिसको इनेमल, जो हमारे दांत होते हैं, इसमें एक इनेमल की परत लगी रहती है, जिसके चलते जो कि सबसे कठोर बोला जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। मानव के टखने में टॉर्सल TARSAL हड्डी पाई जाती है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पैर में पाई जाती हैं। पेशी अंग डायाफ्राम, जो देह गुहा को उदर तथा वक्ष में पृथक करता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक स्नायु है। मानव के वर्टिब्रल कॉलम में 26 केशु कशे रुकाएं या वर्टिब्री, शिशुओं में 33 होते हैं। पाचन तंत्र तथा पोषण व विटामिन, मानव जिगर लिवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। छोटी आंत में सूक्ष्म उंगली की तरह उभरा हुआ हिस्सा जो पोषण तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, उसको विली बोलते हैं। भोजन हमारे शरीर में मुंह भोजन नली अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुए प्रवेश करता है। मनुष्य के आहार नाल की औसतन जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है, जिसमें सबसे लंबी छोटी आंत लगभग 6 मीटर की होती है। बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। छोटी आंत क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र एवं श्वेतांत्र में विभाजित होती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स बड़ी आंत से संबंध रखता है। जठर रस से रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के पचाने में सहायता करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन अग्नाशय में निर्मित होता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, प्लीहा स्प्रीन को कहा जाता है। मानव क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये स्प्लीन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का श्रावण, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का एमल्सीकरण। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फॉस्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा फैट है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के जारण से लगभग हमको 4 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आलू गिरी मांस कुकुरमुत्ता में से आलू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं, ठीक है, आलू में वैसे भी सबको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन और कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए जिसको साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल की कमी से होता है रतौंधी, जीरोथैलमिया। विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी, वृद्धि रुकना इसके चलते हो सकता है। विटामिन
विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, इससे होता है हमको किलोसिस। ठीक है, स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में चिलोसिस है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है आपको किलोसिस। मेरे ख्याल से UPPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन B3, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इससे कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B5, पेंटोथीनिक अम्ल, इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफेद होते हैं। विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद होते हैं। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया। विटामिन B7, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, इसकी कमी से होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना। विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोवालामिन, इसकी कमी से होता है एनीमिया, तंत्र का खराब होना। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सबको पता है, स्कर्वी। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। अभी MPPC 2021 का पेपर में पिछले हफ्ते हुआ था, उसमें आया था ये। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना, फर्टिलिटी कम हो जाती है। विटामिन के, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का ना बन पाना। रक्त के थक्के बनने में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया और पेचिस। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत, ठीक है, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन, जिसको कोआगुलेशन बोलते हैं, विटामिन के कोआगुलेशन में सहायता करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, हर प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनता है। अंडों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भोजन भी कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक दंत होते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह ताम्र का कमजोर स्रोत है। ठीक है, प्रायः प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का छारी, जिसका pH कितना होता है, 7.6 से 8.6, तरल होता है, यह यकृत में बनता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा हमारी प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन एक रेशा रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, बेसिक साइंस है कि जो हमारे जितने एसिड होते हैं वो सब खट्टे होते हैं ज्यादातर। जितना टेस्ट कर सकता है इंसान, उसका यही कहना है कि जितने भी एसिड है ज्यादातर खट्टे होते हैं। नींबू में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लार हल्की अम्ली, इसका pH कितना होता है, हमारी जो स्लाइवा होता है, 6.8 होता है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम है। लार में टाइलिन, स्पेलिंग इसके पिटाइलिन है, PTYALIN, पिटाइलिन, टाइलिन बोलते हैं इसको। टाइलिन
टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड मतलब स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अन्न में स्टार्च की प्रचुरता होती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन मक्खन क्या है? तेल में परिक्षिप्त पानी है, ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है। जबकि क्रीम क्रीम क्या है? पानी में परिक्षिप्त तेल होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग अपूर्णता रोग कहलाता है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, ईस्ट, मांस, अनाज, जिगर, मछली इत्यादि। आयरन की कमी से हमको एनीमिया हो जाता है, फीमेल्स में ज्यादातर होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पानी, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है, अतः इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन्स में 4 वसा में घुलनशील है, ठीक है, फैट सॉल्युबल कौन कौन सा है? ADE के, और बाकी 9 जल में घुलनशील होती हैं। ADE के को छोड़ के जितनी हैं वो सब हमारी वाटर सॉल्युबल होती हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। सिट्रस फल, ठीक है, सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि में आप, ये तो सिट्रस फल हो गए। फिर है आंवला, टमाटर आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। मिर्च में भी विटामिन सी होता है। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट है पोषण तत्व एवं उनके स्रोत। तो पोषण तत्व है और यहाँ पर स्रोत दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या स्रोत है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, इन सबसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए की बात की जाए तो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, इन सब में विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी की बात की जाए तो मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और दूध, इन सब से विटामिन बी मिलता है। फॉलिक एसिड यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सेम, इन सबसे मिलता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च और अंकुरित अनाज, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी मिलता है हमें मछली के तेल से, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण से और अंडों में। विटामिन ई मिलता है गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन और तेल आदि से। विटामिन के हमें मिलता है हरी सब्जियों से, आंतों में भी उत्पन्न होता मतलब प्रोड्यूस हो सकता है विटामिन के। सोडियम हमें मिलता है, अब ये कुछ एलिमेंट्स भी दे रखे हैं जो हमारी बॉडी को बहुत नेसेसरी हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम हमें फिश से मिलता है, मांस, अंडे, नमक आदि से मिलता है। पोटेशियम हमें सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। कैल्शियम दूध, पनीर, साबुत अनाज, फल वगैरह से हमें कैल्शियम मिलता है। लोहे के लिए चोकर युक्त आटा, चोकर निकाल देते हैं, गलत होता है वैसे। कलेजी, पालक, हरी सब्जियां, मेथी वगैरह से हमें आयरन मिल जाता है। आयोडीन, आयोडीन तो सबको पता है, मछली है, आयोडीन, नमक वगैरह इतना एडवर्टाइजमेंट होता ही है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमें मिलता है सब्जियों से, अनाज से, दूध वगैरह से। प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा सोर्स है दूध, अंडे और सस्ता सोर्स है दालें, ठीक है, सोयाबीन भी अच्छा खासा सोर्स है प्रोटीन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी डेली लाइफ में हमको फॉलो भी करना चाहिए सब। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, पहले भी देखा है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है, बहुत बार आया, ठीक है, कि विटामिन B12 में कोबाल्ट
कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वह है कोबाल्ट। मनुष्य की आंख के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जन्म क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन कोआगुलेशन में सहायक होता है। विटामिन के की कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का खतरा रहता है। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी व विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यदि मीट में बात की जाए तो मछलियां सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन जो भाई नॉनवेज खाते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सागो जैसे हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। ठीक है, पालक वगैरह में भर भर के लोहा। मनुष्यों को बिना पॉलिश किया चावल खाना चाहिए, क्योंकि पॉलिश किए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। एंटासिड, ठीक है, एंटासिड वे पदार्थ होते हैं जो अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंटासिड दिया जाता है, ठीक है, मतलब डावर का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। यदि बहुत ज्यादा आपने ऑयली फूड खा लिया हो तो एंटासिड वगैरह से उसको करा जाता है कम। मानव लार मंड को शक्कर में बदलती है। किसी 3 से 4 वर्षीय शिशु में रदनक दुग्ध दंत में शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होता है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, जिससे कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के चलते हमारा ब्लड है वो रेड होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया हो जाता है। नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रेनल ग्लैंड का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसका रंग लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह 0 को सर्वदाता, ठीक है, 0 नहीं ओ है, रक्त समूह ओ, इसको हम बोलते हैं सर्वदाता। और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही, पहले भी हम देख चुके हैं ये सब, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि एंटीजन ए तथा बी दोनों उपस्थित होते हैं। लैंड स्टीनर ने रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा था, ए बी और ओ। नेक्स्ट है, रक्त समूह एवं संबंधित रक्त प्रोटीन। तो रक्त समूह यहाँ दे रखा है एंटीबॉडीज प्लाज्मा में जो पाया जाता है, और एंटीजन जो कि RBC में पाया जाता है। हमारा जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है केवल बी वाली होती है, और एंटीजन केवल ए पाया जाता है। यदि जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होती है। यदि रक्त समूह ए बी है तो एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होती लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाते हैं ए और बी। यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों है लेकिन एंटीजन कोई भी नहीं होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब, ठीक है, वो 80/120 सबको पता है ये होता है नॉर्मल, जिसमें 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक, स्पेलिंग आप इसमें नहीं दिया है कोई बात नहीं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दो होते हैं। डायस्टोलिक हमारा लोअर वैल्यू को बोलते हैं और सिस्टोलिक हमारे अपर वैल्यू को बोलते हैं, 120 मिली mm पारा वाला।
नेक्स्ट है, यदि दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं, ठीक है, जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, इसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू नापते हैं। यदि शरीर में रक्त दाब कम हो जाता है तो एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे स्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपैरे नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व सॉल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेक्राइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर कितना होता है? 180 से 200 mg/%। नेक्स्ट है, अगर इसका स्तर 200 mg से ज्यादा हो जाता है तो यह धमनियों में जमने लगता है, ठीक है, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच होता है 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में आयरन का प्रतिशत लगभग 30 से 40% आयरन होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा जो कि 55% है और रुधिराणु जो कि 45% है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को एंथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि प्रायः कशेरुकी के रुधिर में होता है। मानव में आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। जो ह्यूमन में आरबीसी पाया जाता है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो वो आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इसकी संख्या 54 लाख घन MM क्यूब, कह लीजिए 54 लाख MM क्यूब होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हॉर्वे ने की थी। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता हार्मोन कहलाती है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नाक, दिल, गुर्दा, जिगर में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? दिल है। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण वेनेडिक्ट विलियम से किया जाता है, ठीक है, वेनेडिक्ट विलियम से किया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या है? संक्रामक रोगों एवं वाह पदार्थों से रक्षा करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इम्यून सिस्टम को बनाए रखना हमारे WBC का काम है। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी वैकी के द्वारा किया गया था। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितना 100,000 बार, ठीक है, 100,000 बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन सिस्टोल एवं शिथिलन डायस्टोल को संबंधित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग 0.8 सेकंड समय की जरूरत पड़ती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। गल ग्रंथि ट्रैकिया, ठीक है, गल ग्रंथि ट्रैकिया के निकट पाई जाती है। एक मानव मस्तिष्क में
थर्मो रेगुलेटरी केंद्र हाइपोथैलमस होता है, जो भी बॉडी का टेम्परेचर है, उल्टी आना, ये सब कुछ है, ये सब हमारा हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है। खून या रक्त एक बफर की तरह बिलियन या बफरी बिलियन है। मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने में बिम्बाणु प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हृदयाघात हार्ट अटैक का एक कारण हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में 250 गुना ज्यादा होती है। मानव हृदय के बायनियल कक्ष से ऑक्सीजन युक्त महाधमनी में पंप किया जाता है। सबसे बड़ी धमनी आर्टरी महाधमनी एओर्टा नाम से जानी जाती है। स्कंदन की दर से डॉक्टरों को हृदय की धड़कन का पता चलता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति माप एक चिकित्सक हृदय गति का अनुमान लगाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। मानव के जीव द्रव प्लाज्मा में विलयित होते हैं। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है, तो उसके पुत्र में ओ और ए रक्त समूह पाया जा सकता है। ठीक है। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है। औषधियां रक्त प्रतिरक्षी परिसंचरण का प्रभाव डालती हैं। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 55% के करीब रक्त प्लाज्मा होते हैं। गामा ग्लोबुलिन पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। ठीक है। वही WBC हमारी जो भी है वो क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करती है। फॉलिक अम्ल लाल रक्त कोशिका के विरचन के लिए आवश्यक होती है। फेरिक क्लोराइड पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इंसुलिन थायरोक्सिन ऑक्सिन और एस्ट्रोजन में से ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है। इंसुलिन बॉडी में बनता है हमारा, थायरोक्सिन बॉडी में बनता है, एस्ट्रोजन भी बॉडी में बनता है, लेकिन जो ऑक्सिन है ये क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। वैसोप्रेसिन क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है वैसोप्रेसिन। जब कोई भयभीत होता है तो यह एड्रेनलिन अथवा एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। रेडियस ह्यूमरस और स्कैपुला कंकाल होते हैं, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन होता है। यह मानव कंकाल का भाग नहीं है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप में आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है। पैरा हार्मोन अस्थियों के कैल्सीकरण को उद्दीपन करता है। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। अग्नाशय शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। ठीक है। अग्नाशय जो हमारा है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। रक्त के आरएच घटक की खोज, ठीक है, रीसस बंदर था, बंदर जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी। भुजाओं और पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को वाल्व द्वारा रोका जाता है। ब्लड कैंसर को लीकीमिया भी कहा जाता है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल लगभग 3 दिन का होता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। पीयूष ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि मानव शरीर की छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। थायरॉयड ग्रंथि आधार में बहुत छोटी तथा थायराइड ग्रंथि के पास ही स्थित होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में इस ग्रंथि के दो युग्म पाए जाते हैं। इनसे स्रावित होने वाला हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है। पैराथार्मोन शरीर में कैल्शियम आयनों की समस्थिति बनाए रखता है। थायराइड हमारे गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। थायराइड से
थायराइड से क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, बच्चों में होने वाला बौनापन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, सबको पता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में काम करने वाला प्रोटीन है। अधिभ्रक्क ग्रंथि मतलब एड्रेनिल से एड्रीनेलिन और नार एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं, और संघर्ष या पलायन हार्मोन भी जिसको हम कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अधिसक्रियता के कारण होती है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन एवं जनन तंत्र अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें किसकी उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम, ठीक है, URO CROME यूरोक्रोम के वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में ना होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मान लीजिए आप गर्मी आए भयंकर है, अभी बरसात वाला मौसम आएगा, ह्यूमिडिटी खूब बढ़ेगी, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारे बॉडी से पानी में खूब निकलता है, तो क्या उससे सोडियम की कमी हो जाती है ना, सोडियम और पोटेशियम मेन हमारे होते हैं, सोडियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा हानि होती है, इसलिए बोला जाता है कुछ नहीं है भाई, ORS घोल वगैरह पी लो, इलेक्ट्रोल पाउडर पी लो, वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी मिक्स करके पी लो, काम आपका सोडियम वगैरह जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी बॉडी की नीड के लिए रिक्वायर्ड है वो सब हमें मिल जाएगा, केवल एक एक चम्मच से काम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जा सकती है, ठीक है, इसने अगला पॉइंट यही लिख दिया। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या बोलते हैं, डाइयूरेटिक बोलते हैं। जैसे हम जो चाय होती है हमारी, टी है, कॉफी है, ये सब डाइयूरेटिक है। इसे मतलब कॉफी वगैरह जो बहुत ज्यादा पीते हैं, चाय हद से ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग चर्चित टाइप होते हैं, मतलब पांच पांच छह छह चाय पीते हैं वो बस बाथरूम ही भागते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये डाइयूरेटिक होती है, इससे पेशाब बार बार आता है। फिर है डर्मेटाइटिस, एक प्रकार का चर्म रोग है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे इटाई इटाई रोग बोलते हैं, ठीक है, सबको पता है कैडमियम कैडमियम के चलते हमें इटाई इटाई होता है। धूम्रपान से लंग फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। स्वेदन, स्वेदन मतलब क्या बोलना चाहिए, इसे जो पसीना वगैरह निकलता है वह है स्वेदन। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, यदि पानी, देखिए आप ये फीवर में, फीवर जब भी होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी से पसीना निकलना बंद हो जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, पैरासीटामोल वगैरह लेके, यदि कोई कंबल, सर्दी आए तो कंबल ओढ़ के, यदि नहीं है गर्मी आए तो पंखा बंद करके, और क्या कहते हैं चादर ओढ़ के लेट जाते हैं ताकि पसीना आ जाए, एक बार पसीना आने लगा तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना, पसीना आना बहुत जरूरी है। तो जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। गुर्दा अथवा किडनी शरीर में, गुर्दा अथवा किडनी शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब उसके क्या क्या होता है, रक्त से विषैले तत्वों का निस्यंदन करता है, ठीक है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी से वो हमारे पेशाब के रूप में निकल जाता है। रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है विटामिन डी का निर्माण करता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है, ठीक है, तो जब किडनी जिसकी फेल हो जाती है तो क्या डायलिसिस में उनको लिटा दिया जाता है, डायलिसिस होती रहती है। डायलिसिस क्या होता है भाई, जो आपका ब्लड है उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं हम आर्टिफिशियली तरीके से। वक्र के काम ना करने पर रक्त में नाइट्रो
नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होने लगते हैं, ठीक है। मानव वृक्कों से होकर लगभग 1800 लीटर रक्त बहता प्रतिदिन। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। अब ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था एक साथ, ठीक है, यूपी पीसीएस के ये क्वेश्चन है। 1.5 लीटर मूत्र एक आदमी एक एक दिन में लगभग करता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हाथी वाला क्वेश्चन तो अभी यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक बार उन्होंने पूछ दिया था। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जेस्टेशन पीरियड किसी का होता है, वो हाथी का होता है, 620 दिन का, ठीक है। मनुष्यों में कितना होता है, 9 महीने, 9 × 27 270 दिन हो गया। गाय में कितना होता है, 280 दिन का होता है। भैंस में 310 दिन का होता है। गाय का कम है, मनुष्य का, फिर गाय का, फिर भैंस का, फिर हाथी का। बकरी वगैरह में थोड़ा कम है, 150 ही दिन है, छोटे जानवर है। भेड़ में भी कम है, 150 है। सुअर वगैरह में भी कम है, बहुत ज्यादा कम ही है, केवल 115 दिन में। डॉग्स वगैरह में ये केवल 61 दिन ही है। घोड़े का ज्यादा होता है, 340 दिन होता है घोड़े का भी। चूहे का 21 दिन, एक तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, 21 दिन में बच्चा पैदा कर देते हैं। शेर, शेर का लगभग हमारा 110 दिन का होता है। और व्हेल का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो लगभग 360 है, ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड बोलो या गर्भाकाल, जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। तो हमें मनुष्य का तो याद ही, सबको पता है 9 महीना। लेकिन जैसे हाथी वाला भी याद करना है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा है, कभी कभी ना कभी पूछा जा सकता है। और भैंस का ये नावार्ड, सॉरी एफसीआई का एक पेपर हुआ था, मैंने दिया था, उसमें पूछा गया था भैंस का, 310 दिन का इसका गर्भकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भाविधि में भ्रूण माता के गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय भ्रूण को सहायता देता है। एक पुरुष में 2 वृषण होते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिकल होते हैं, सबको ही पता है। गुर्दा का सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी गुर्दा एक उत्सर्जक अंग है, ठीक है, जिसमें उत्सर्जन ही हो रहा है हमारा, जिसने टॉक्सिक कंपोनेंट्स है उसका। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अन्न की बात करी है तो सांस लेने के लिए कंकाली मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिकाओं से होती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल से होती है। श्वसन तंत्र के भागों में नाक शरीर के बाहर रहता है। आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, खतरनाक शब्द था। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलमस के द्वारा होता है, ठीक है, हाइपोथैलमस बहुत कुछ करता है, टेम्परेचर मेंटेन वगैरह करना हाइपोथैलमस का काम है। हमें जब उल्टी की जो सेंसेशन होती है, फीलिंग होती है, वो सब हाइपोथैलमस ही बताता है। अनैच्छिक मांसपेशियां सेरिबेलम द्वारा नियंत्रित होती हैं। श्वसन केंद्र मेंडुला में उपस्थित होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है 1.36 kg, ठीक है, 1.36 kg का हमारा मस्तिष्क का वेट होता है, ठीक है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, जिन्हें प्लूरा बोलते हैं। 2 न्यूट्रॉनों के बीच की जगह को साइनेप्स कहलाती है। शरीर में ऊर्जा एटीपी, ठीक है, एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाली स्वाद गलिकाओं से मीठे स्वाद का पता चलता है, ठीक है। ये जी बचपन में डायग्राम पढ़ा होगा, ये आगे मीठा, बीच में शायद खट्टा होता है, सबसे अंत में कड़वा होता है। जेरिएट्रिक्स जो वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। निलय, निलय हृदय एवं मस्तिष्क दोनों में उपस्थित होता है। बार बॉडी न्यूक्लियस स्त्री स्तन पोषी की कोशिका में इंटरफेस के दौरान पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन नमक मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह, क्या नाम है तो का डायबिटीज मेलेटस, ये हमारी इंसुलिन की कमी से होता है। मानव शरीर में 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ी होती है। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला
एक के मूल बालाघात दंत रदनक कहलाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकावट क्या होता है? लैक्टिक एसिड हमारा बॉडी में जम जाता है, जमाव के कारण हमें पिंडलियों वगैरह में नहीं काफ वगैरह में दर्द होता है यदि बहुत मेहनत कर लो। कार्बन तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है। आंख का वह भाग आयरिस है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आंख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लैक्रिमस ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ठीक है, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। फिर है ईईजी, ईईजी मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। नेक्स्ट है स्पंदस सर्पदंश, सॉरी सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। लीवर श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, ठीक है, जो हमारी पैरासीटामोल है वो क्या है, एंटीपायरेटिक दवा है। पार्किंसन बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है, आदमी भूलने लगता है, हाथ पैर कपने लगते हैं, ये सब पार्किंसन के हमारे लक्षण है। पुतली प्यूपिल मानव नेत्र का एक हिस्सा है। सुक्रोज साधारण चीनी का एक सामान्य नाम है। मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्ज्या स्पाइनल कॉर्ड संबंधित सम्मिलित कह लीजिए। नेक्स्ट है संक्रमण से शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। राम एक सेब को दांतों से काटना चाहता है, वह कृंतक इंसिजर्स प्रकार के दांतों का उपयोग करेगा। अक्ल के दांत आमतौर पर 17 से 30 वर्ष के उम्र सीमा में निकलते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है। आंख की पलक का झपकना अनैच्छिक क्रिया है, इसे शारीरिक क्रिया कहा जा सकता है। आंख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव सिलियरी स्नायु की वजह से होता है। मानव शरीर में पलके सबसे पतली त्वचा होती है। मानव शरीर का मेडुला ऑब्लॉन्गेटा भाग अनैच्छिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है जीवों के उत्पाद आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट के अंतर्गत मधुमक्खी रेशम कीट लाख कीट आते हैं। फल एवं उनका खाए जाने वाला योग भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैगजीन में खूब पूछा जाता है। अखरोट में हम क्या खाते हैं, उसका बीज पत्र खाते हैं। शहतूत में हम परिदल पुंज खाते हैं। टमाटर में हम फल भित्ति तथा बीजांडासन खाते हैं। अनार में हम क्या खाते हैं, रसदार बीजावरण बीज ही खाते हैं, लेकिन वो रसदार है, ठीक है, रसदार बीजावरण खाते हैं। अमरूद में क्या खाते हैं, फल भित्ति तथा बीजांडासन खाते हैं। आम में हम बांसल मध्य फल भित्ति खाते हैं। इमली में हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। अंगूर में हम फल भित्ति तथा बी जांडासन खाते हैं। केले में हम क्या खाते हैं, मध्य व अंता फल भित्ति खाते हैं। सेब और नाशपाती में हम मांसल पुष्पासन खाते हैं। नींबू में हम अंता फल भित्ति के रसदार रोम, ठीक है, रोम ही होते हैं यदि देखा हो नींबू में। नारियल में क्या कहते हैं, रोम कोई निचोड़ते हैं तो रस निकलता है। नारियल में हम भ्रूण या भ्रूण पोष को खाते हैं। पपीता में हम मध्य फल भित्ति को खाते हैं। नेक्स्ट है रोग वाहक कीट के अंतर्गत एनाफिलिस क्यूलेक्स एडीस एवं घरेलू मक्खी आते हैं। सामाजिक कीट के अंतर्गत जो हमारी मधुमक्खियां हैं, चींटी हैं, दीमक इत्यादि, ये सामाजिक कीट हैं। अरंडी के बीज के भाग कारंकल से तेल निकाला जाता है। जेलिडियम डिसेप्टिकम
ग्रैसीलेरिया नामक लाल शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। ठीक है, फिर है जेट्रोफा कारकास जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है पहाड़ों के जीवाश्म पिंडक के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोरस के दहन के कारण जुगनू से प्रकाश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट, जुगनू वगैरह तो अब तो दिखते भी नहीं है, गांवों में भी नहीं दिखते हैं। चीड़ या देवदार के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अरेबिका एवं रोबोस्टा कॉफी की प्रमुख किस्में हैं। मटर, आलू, अंडा, नींबू में से अंडे में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से कोयला प्राप्त होता है। रिफ्लेसिया एर्नोल्डी सबसे बड़ा फूल है। मानव जाति के लिए कुछ फसल रूपी पौधों के परागण सुनिश्चित करने में मधुमक्खियां सबसे उपयोगी साबित होती हैं। पॉलिनेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है मधुमक्खियों का। पानी के जहाजों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों को उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है वे हैं शीशम एवं अकेसिया। सामान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को फेरोमोन कहते हैं। नेक्स्ट है, अंगूर के रस में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। संतरा खाद्य पदार्थ रेशों से समृद्ध होता है। जड़ एवं तना तथा उनके उदाहरण फिर है शंकु आकारी जड़ गाजर है। कुंभी रूपी जड़ सलजम चुकंदर है। तरकु रूपी जड़ मूली है। कंद तना आलू कंद तना बंडा केसर के कंद सल कंद तना ये प्याज है और प्रकंद तना ये हल्दी और अदरक ये सब प्रकंद तना के एग्जाम्पल हैं। प्याज ये सल के कंद तना का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अंकुरित मूंग दालों में सफेद संरचना जड़ के रूप में विकसित होती है। नेक्स्ट है हल्दी पौधे के स्टेम हिस्से से प्राप्त होती है जिसका प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ये भी यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। साइकस साइकस पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण एवं भ्रूण पोष है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े का भोज पदार्थ सहतूत की पत्ती है। अफीम पौधे के अपरिपक्व फल के लैक्टिस से बनाया जाता है। ये भी यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। रोजा 64A सोनारा 64 सर्वती सोनारा प्रजातियां ये क्या है गेहूं की उच्च उत्पादन की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है गाय का गोबर जैव विघटित पदार्थ तथा पर्यावरण प्रदूषित ना करने वाला पदार्थ है। मूली सलजम गाजर को पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। पुनैन सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है। मानव के लिए लाख कीट रेशम का कीड़ा मधुमक्खी ये सब बहुत उपयोगी है, पहले भी बात हो चुकी है इस पे। अब बात करते हैं वर्गीकरण का। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है लेकिन इन्होंने बहुत लेट पे दिया है। सिल्वी कल्चर क्या है? वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर ये सब्जियों की कृषि से संबंधित है। विटी कल्चर ये मेरे ख्याल से यूपीएससी में अभी इसी साल आया है 2022 में आया है। विटी कल्चर ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। पालुडोलॉजी ये भू वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दलदल भूमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ये नया है, ज्यादा हर बुक में नहीं मिलता ये पॉइंट। फिर है इक्थियोलॉजी क्या है? ये जंतु विज्ञान की शाखा है, इसके अंदर मच्छियों की हम ठीक है ना मछलियों की हम अध्ययन करते हैं। और एंथोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। फिर है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा संबंधित विषय। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन है। आजकल खूब मार्क्स मिल रहा है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में। फिर
खासकर यूपीएससी में। खगोल शास्त्र, ये खगोल पिंडियों का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है। जियोलॉजी, अब ये तो सबको पता है, जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, भूगर्भ संबंधित अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा पद्धति, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये, पानी से ही ट्रीटमेंट करते हैं बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का। होलोग्राफी क्या है, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। न्यूरोलॉजी क्या है, मानव शरीर के नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन। फिर क्या है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन एवं रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन पहले ऊपर देखा है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। फिर है डेंडोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है, ये नया है, हर बुक में नहीं मिलता। हर्पेटोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है, ये भी नया पॉइंट है। सर्पेंटोलॉजी ये तो सबको पता है, यूपी पीसीएस में भी आया है। सर्पेंटोलॉजी सर्प से संबंधित है, ठीक है, सर्प के अध्ययन से संबंधित है। केचुए के आंख नहीं होती, ठीक है। पशु जगत का सबसे द्रुततम सजीव सदस्य कौन है, वो चीता है। स्तनधारी के हृदय में चार पोस्ट होते हैं, ठीक है, जितने मैमल्स है तो उसके हार्ट में चार हमारे चैम्बर होते हैं। मछली एक मेरुदंडी है, ठीक है, यदि मछली देखो तो उसमें ऐसे मर जाती है तो बने रहते हैं ना, तो वो क्या है, मेरुदंडी तो था। कौवा, कौवा फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। बड़ी आंत शाकाहारी पशुओं में पाई जाती है। मच्छर वाह परजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिच्छू का पुग लंग्स श्वसन अंग है। नेक्स्ट है व्हेल क्या है, व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। कैचुए में स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। अरंगुटन बंदर प्रजाति का नहीं होता है। यह सभी वृक्षवासी जानवरों में सबसे बड़े हैं। इनकी भुजाएं अन्य सभी महाकपियों से लंबी होती हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव एसिटे बुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष का होता है। व्हेल सिंसुप एवं चमगादड़, ये सब क्या है, ये मैमल्स हैं, ठीक है, स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग ही होता है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है, ठीक है, सबसे बड़ा मैमल कौन है, व्हेल है। बाहर सॉरी जानवरों में सबसे बड़ी आंत व्हेल की होती है। अक्से क्या बोलेंगे, अक्सेरुकी में नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकी में जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, ठीक है, वो ऊपर की जो हमारा बैक बैंड क्या बोलते हैं, छोड़िए। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, यह अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करने वाली भेड़ की प्रजाति चोकला, ठीक है, उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करने वाली भेड़, उसका नाम है चोकला। जीवों के रासायनिक नाम, ठीक है, अब जैसे गाय का रासायनिक नाम है बोस टॉरस, बिल्ली का है फेलिस कैटस, कुत्ते का है कैनिस फैमिलियारिस, मेढक का है राना टिग्रीना, ये तो सबको पता है। मनुष्य का होमो सेपियंस, ये भी सबको पता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड, ठीक है, बड़ी फेमस पिक्चर्स होती है, यदि आप देखो छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी पक्षी या चिड़िया है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है, ठीक है, ये
इंस्टाग्राम वगैरह आप यूज करते हो तो आपने ये चीज तो जरूर देखी होगी, एक हमिंग बर्ड है वो पीछे की तरफ चल रहा है ना, जरूर देखा होगा। बतख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है चमगादड़, कॉर्डेटा संघ का प्राणी है, इसमें परास्रवण ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सिल्वर फिश, हैमर फिश और सॉ फिश एवं सकर फिश में से सिल्वर फिश वास्तविक फिश नहीं। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, इसमें गिल्स, गलफड़ा, फेफड़ा तथा त्वचा तीनों से श्वसन करने में सहायता मिल सकती है इसको। नेक्स्ट है जेलीफिश, जेलीफिश सीलेंट ट्रेटा समूह के अंतर्गत आती है, डायनासोर रेप्टाइल्स कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है, चिंपैंजी है। प्राणियों की आंतरिक संरचना के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है, यदि मछली के पुच्छ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह तैरने के योग्य नहीं रहेगी। कतला, कैटला, कैटला और रोहू, ये क्या है, ये फ्रेश वाटर फिश के दृष्टांत है। सांप रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। पक्षी एवीज वर्ग में आते हैं, स्तनधारी मैमेलिया वर्ग में आते हैं, और जो मेंढक वगैरह ये सब एम्फीबियंस होते हैं। काफी बेसिक सी चीज थी। मछली, सांपों तथा छिपकली को संघ कार्डेटा में रखा जाता है, जबकि केचुआ को, अर्थबाम को नॉन कार्डेटा में रखा जाता है। अधिकांश परजीवी एक-एक कोशिकीय जीव होते हैं। बाघ एक मांसाहारी जानवर है, जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको स्थानिक नस्ल कहा जाता है। मुर्गी, तितली, मेंढक, कुत्ता में से जो कुत्ता है वो अंडज जीव नहीं है, कुत्ते अंडे कहाँ देते हैं। रिक्सिया, मार्केशिया और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। जेलीफिश, लॉबस्टर, सॉल्मन वेल में से सॉल्मन सत्त मछली है। आधुनिक वर्गीकी का जनक कार्नीलियस को माना जाता है, ठीक है। डॉल्फिन, वेल, ऑक्टोपस और उदबिलाव में से ऑक्टोपस क्या है, स्तनधारी नहीं है। ये सब मोलस्का में आते हैं मेरे ख्याल से। चमगादड़, उल्लू, गिद्ध, बाघ में से चमगादड़ स्तनपायी है, ठीक है। जो हमारा चमगादड़ है वो क्या है, मैमल। जोंक रक्त चूसने वाला जीव है। टमाटर क्या है, एक फल है। नेक्स्ट है प्रमुख वनस्पतियों के नाम, सरसों का क्या है, ब्रेसिका कैम्पेसियस, आम का है मैग्निफेरा इंडिका, धान का है उराइजा सिटाइवा, मटर का क्या है, पाइसस सिटाइवियम। ये तो सबने रटा है हाई स्कूल में, रटना ही पड़ता था, मटर का पूछते थे ऑब्जेक्टिव में। हाइड्रा में रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं, ठीक है। अभी पहले भी देखा हमने, चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डकविल्स पैटिपस में से डकविल पैटिपस ही एक ऐसा स्तनपाई है जो अंडे देती है, ठीक है। हॉर्नबिल हवा में उड़ सकता है, हॉर्नबिल महोत्सव भी होता है इंडिया में, कहाँ होता है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के तीन युग्मों से। फिर है जाफराबादी भैंसों की नस्ल है, ठीक है। जाफराबादी क्या है, भैंसों की नस्ल है। फूल गोभी एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है, बाहरी होती है भाई। एक फूल के नर हिस्से, नर जो फूल का जो नर हिस्सा होता है उसको पुंकेसर कहा जाता है, ठीक। कुल एवं उनसे संबंधित पौधे, ठीक है। अब ये ज्यादा ही दे रखा है लेकिन देख लेते हैं। लिली एसी, प्याज और लहसुन, ये सब लिली एसी कुल के हैं। ग्रेमिनी, मक्का, गेहूं, बांस, गन्ना, चना, ये सब ग्रेमिनी के हैं। सुपारी, ताड़, खजूर, नारियल, ये पामी एरिकेसी कुल के हैं। मूली, सलजम, सरसों, ये क्रूसीफेरी कुल के हैं। कपास, भिंडी, गुड़हल, ये मालवेसी कुल के हैं। सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम आदि, ये कंपोजिटी ग्रुप के आते हैं। मटर, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, चना, सेब, ये क्या है, लियू
ल्यूमिनोसी कुल के हैं, नींबू संतरा मौसमी ये हमारे सिट्रस हैं, रूटेसी इसके कुल के आते हैं। फिर है मेढक के प्रारंभिक चरण को टैड पोल कहते हैं, इतने डायग्राम देखा होगा कभी ना कभी आपने। चाय के पौधे की पत्ती का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। स्केरिस को सामान्यतः गोल कृमि कहा जाता है। गाजर का खाने योग्य भाग जड़ है। बांस घास कुल ठीक है। ग्रैमिनी पोएसी ग्रैमिनी का एक पौधा है। घास एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, जो कि केवल जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। अनानास क्या है? अनानास एक कंपोजिट फल है। पुंकेसर तथा वतिका पुष्प के हिस्से होते हैं। भांग एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑक्टोपस सरीसृप नहीं है। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है। मक्खी परजीवी नहीं है। नीली शार्क क्या है? ये स्तनपाई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत ये लैंडमैन ने दिया था। जलवाष्प और धूल कण वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? सजीव है। वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है उसको योड क्षेत्र ठीक है आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फीयर। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना, वृक्षारोपण आदि सभी की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण एक घास का मैदान है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म के समुदाय में एक जीवाश्म ऑर्गेनिज्म द्वारा लिए गए ना केवल शारीरिक स्थान परंतु उसके कार को भी वर्णित करने वाला शब्द पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल नीस कहलाता है। वायु में नाइट्रोजन का नियमन करने की घोषणा धारण करने वाला जीवावी क्या है? राइजोबियम है। हमारे पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में बरगद वृक्ष उत्पादक है। बाघ एक परभक्षी है। सेम मूंगफली मटर चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमोनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के रूट में निवास करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि के अपमार्जन में सहयोग देने वाला जीव कौन है? केंचुआ है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक ठीक है मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूडेंट्स क्या है? अकार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे बेंजीन और ईथर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे फ्लोराइड्स है, आर्सेनिक है। पार्टिकुलेट मैटर धूल धुआं ठीक है। पार्टिकुलेट PM 2.5 PM 2.5 और PM 10 हम लोग मास में आते हैं उसमें भी चलता है क्या? वो सब पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो एनवायरमेंट में उससे हमको बचाते हैं। गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड HCO, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx बोलने चाहिए NOx। घरेलू अपमार्जक डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स जैसे हमारा साबुन है, सोडा है, सर्फ है, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ये भी एक तरीके के पलूटेंट हैं। फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट्स जैसे ओजोन, एल्डिहाइड्स है, एथिलीन है, ये सब भी क्या है? हमारे पलूटेंट्स हैं। मेटल्स लाइक पारा, सीसा, लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब भी हमारे मेटल्स एक तरीके के पलूटेंट्स हो सकते हैं यदि इनको अच्छे से यूज नहीं किया जाए। एसिड ड्रॉपलेट्स जैसे नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी सब हमारे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कोबाल्ट, सीजियम, एंस्ट्रियम, यूरेनियम, ये सब भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं एक तरीके के रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हैं। एग्रोकेमिकल्स कीटनाशी है, शाकनाशी है, ये भी अच्छा खासा हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। पैंथेरा टाइग्रिस ये क्या? टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। लाल पांडा की संकट ग्रस्त प्रजाति मुख्यतः पूर्वी हिमालय में पाई जाती है।
बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या डिट्रियस पर जीवित रहते हैं, जिन्हें मृतोपजीवी जो मरी हुई बॉडीज पे अपना खाना पीना उससे करते हैं वो क्या बोले जाएंगे, उनको मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया हमारा, जीवाणु हो गया, ये सब हमारे मृतोपजीवी हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल, वर्णक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डेटा बुक में दर्शाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है, ठीक है, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 3-4 बार। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मल जल का होता है। सीसा विषाक्त से प्लम विस्म भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल एक प्रकार की मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं के द्वारा होता है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रियूज पर्यावरण को बचाने वाले 3 R हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। अब बात करते हैं विभेद की। चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन, मारीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। उपापचायी क्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं तथा बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन सी तथा विटामिन ई युक्त फल एंटीऑक्सीडेंट के प्रमुख स्रोत हैं। दमेदियन ने MRI स्कैनर का आविष्कार या खोज की थी। शब्द एसिड लैटिन शब्द एसिर ACERE से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है खट्टा। पहले भी मैंने बताया था शायद केमिस्ट्री जब डिस्कस की थी कि जितने भी एसिड हैं वो सब ज्यादातर खट्टे हैं। क्वार्ट्ज घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक है। लेजर का उपयोग हृदय रोग के उपचार में होता है। EEG द्वारा हम मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था कि मतलब किसी बंदे ने 1 ग्लास पानी पिया तो उसको कितनी कैलोरीज मिली? कुछ नहीं मिला उसे, ठीक है, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। जूट खाद्य पदार्थ नहीं है, जूट तो खाद्य पदार्थ नहीं है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स मतलब ध्वनि थैली भी कहा जाता है। विनेगर, शराब, एस्पिरिन अम्लीय पदार्थों का समूह है। पुरुष के बांध्याकरण का ऑपरेशन वायसेक्टॉमी कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पौधागर एक भवन है जिसमें हरे पौधे का पालन किया जाता है। संश्लेषित तंतु शक्तिशाली होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, इन पर कीड़े मकोड़ों का आक्रमण नहीं होता। यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्त्र का निर्माण नायलॉन से हुआ है। नेक्स्ट है होरोलॉजी का जो मतलब होता है वह समय का अध्ययन, ठीक है, समय का, टाइम का हम अध्ययन करते हैं होरोलॉजी में। सिल्डेनाफिल साइट्रेट का आमतौर पर वियाग्रा के रूप में का वो आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एक शायद दवा होती है ये सिल्डोनाफिल साइट्रेट। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने व अन्य दलहनी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 3.5 होती है। गर्भरोधक गोलियों में एस्टेरॉयड हार्मोन रहता है।
स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। फिर है एमिनोसेंटाइसिस, एक तकनीकी है जो भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित है, इसको बैन किया गया है इंडिया में। गेहूं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदल सकता, जबकि सोयाबीन, मूंगफली, मटर, लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम होती हैं। पीलिया का कारण मोटापा नहीं है, ठीक है। फिर है ग्लूकोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन क्या है, विस्फोटक नहीं है। समुद्री जहाज, हवाई जहाज, बस और नौका में से नौका धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक आभास अभ्यास क्या, बॉटनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है खोज एवं आविष्कारक, हमने पहले भी बात करी है, विटामिन की खोज करी है फंक ने, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज करी है रॉबर्ट कोच ने, रेबीज का टीका बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस पाश्चर ने खोजा है, दूध का पाश्चराइजेशन जो है ये भी लुईस पाश्चर ने खोजा है, मलेरिया परजीवी की खोज लेवरन ने करी है, पोलियो वैक्सीन की खोज करी है जॉन ई सॉल्क ने, हृदय प्रत्यारोपण एक क्रिश्चियन बर्नार्ड, लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने करा था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करा था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने करी है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक, ये भी यूपीपीसीएस में बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये सब लेखपाल में भी आएंगे। सावक, सावक बाल, बाघ, भालू, सिंह शिशु से संबंधित है, ये सब बच्चे हैं इन जानवरों के। कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या है, एक लार्वा है। एक चींटी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी वह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। समुच्चय सिद्धांत के जनक जॉर्ज कैंटर माने गए हैं। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है, जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। हिंदी में जरा विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। हृदय पेशी व्यतिक्रम हृदयाघात का वैज्ञानिक नाम है। वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होती है। नागराज जिसको किंग कोबरा, एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, किंग कोबरा घोंसला बना के रहता है। कर्णपटल का अन्य नाम कान का पर्दा है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली है, ठीक है, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी मैमल डॉली है। जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में एरिस्टोटल, अरस्तु को जाना जाता है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक ये बढ़ जाएगा। फिर है पोल, कोल्ड, पिल, ये तीनों नाम घोड़ा शावक से संबंधित है। ओजोन अपक्षय का संबंध फिर ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है, ओजोन अपक्षय का, ठीक है। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे कुछ समय कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टामेटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। सीटी स्कैन एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक है, बहुत बुरी चीज है लेकिन मजबूरी में कराना पड़ता है सीटी स्कैन। अब जैसे जब कोरोना खूब फैला था तो लोगों ने खूब सीटी स्कैन कराया, ना जाने कितने रेडिएशन उनकी बॉडी से निकल गए हैं, जरूरत नहीं भी थी तब भी लोगों ने सीटी स्कैन करवाया। इसे सर्वप्रथम विकसित करने वाली कंपनी का नाम था EMI। नेक्स्ट है हाथियों के गज दंत जो कृंतक इंसीजर्स हैं। फिर है लैकाइमस, ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है। पेंगुइन जाति का पक्षी, पेंगुइन जाति का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है। फ्रॉयड का संबंध मनोविज्ञान से है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। वायु प्रकीर्णित बीजों में रेशेदार वाह आवरण होता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ डियोड वुड कहते हैं। सभी जैविक मिश्रणों में हाइड्रोजन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। फिर है बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण।
ठीक, इस तरह से हमारा बायोलॉजी और कह लीजिए साइंस वाला पूरा सेक्शन जो था, मैंने लेखपाल की जो सॉरी लेखपाल के लिए जो घटनाचक्र ने बुक दी थी उसका मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे, मेरे ख्याल से अगला चैप्टर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।